स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में आपको AU इंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के BSc बायो के क्वेश्चन दिए जाएंगे। BSc बायो के जो इंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं वो हमारे चैनल पर चैप्टर वाइज होंगे, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं कंपटीशन लेवल के, उन चैप्टर को मैं पहले लेकर उनके क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो पोषण, और पोषण का यह पार्ट वन है, और इसमें हम पोषण से 15 बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप बने रहिए। आपको अगर नोट्स चाहिए तो आपके लिए वो भी इंतज़ाम किया जाएगा, और इसी वीडियो में मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देने वाला हूँ, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर मेरा लेकर आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करने का टाइम प्रत्येक दिन आपको रात के 8 बजे से 9 बजे तक ही रहेगा। उसके बीच अगर आप करेंगे तो कोई रिप्लाई नहीं दिया जाएगा। दूसरा पार्ट इसका तभी अपलोड किया जाएगा जब यह वीडियो 100 से पार व्यू लेकर आएगा। तो आपका एक जिम्मेदारी ये भी बनती है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करिए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन क्या है पोषण के इस चैप्टर से लिखा है। पहला क्वेश्चन, स्तनधारियों की लार में कौन सा एंजाइम होता है? स्तनधारी जो होते हैं उनके लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो शायद ये पोषण चैप्टर का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, और आपने इसको पढ़ा भी होगा। तो देखिए, ये टाइलिन जो है आपके इन चार ऑप्शनों में से, ये जो आपका एंजाइम है टाइलिन, ये किसी भी स्तनधारियों के लार में पाया जाता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान दीजिए। और मनुष्य के भी मतलब कि लार में यही एंजाइम पाया जाता है। चलिए अब हमारा दूसरा प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, तो अब हम इसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? ऑप्शन ए विटामिन B6, ऑप्शन बी विटामिन B2, ऑप्शन सी विटामिन B1, एंड ऑप्शन डी विटामिन B12। तो इन सभी ऑप्शनों में अगर आपने पोषण को पढ़ा होगा तो विटामिन B2 इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर आप पोषण चैप्टर का हमारे द्वारा नोट चाहते हैं तो मैंने जैसा ही कहा कि इस वीडियो में मैं आपको अपना नंबर दूंगा, आप उस पर कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो मछलियों के यकृत तेल में मतलब उसकी ज़्यादा मात्रा पाई जाती है? तो ये आपको यहाँ बताना है। तो वो विटामिन डी है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऐसा भी पूछा जा सकता है विटामिन डी का स्रोत है, तो आप बताइएगा मछलियों के यकृत तेल, ठीक है। आगे चल सकते हैं अब हम। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है, सूखा रोग, स्कर्वी, बेरीबेरी, इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत सरल क्वेश्चन है, आप कक्षा 4 से पढ़ते आ रहे हैं। सूखा रोग, रिकेट्स भी बोलते हैं इसको। नंबर 5, लार किसके पाचन में मदद करती है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी प्रोटीन, एंड ऑप्शन डी जो है विटामिन। तो इसमें से आप सब लोग ध्यान दीजिए, लार जो है वो स्टार्च के पाचन में हेल्प करती है। ये भी पाचन चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी कई बार अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये आपका स्टार्च जो होगा वो लार इसके पाचन में हेल्प करती है। अब हमारे सामने 6वां प्रश्न आया है, किस विटामिन की कमी से खून का बहना नहीं रुकता है? मतलब ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से खून का बहना नहीं रुकेगा? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन के। तो इन सभी ऑप्शनों में आप सभी को पता होना चाहिए, विटामिन सी तो स्कर्वी रोग का होता है, उसकी कमी से, विटामिन बी से बेरी बेरी, विटामिन ए से रतौंधी होता है। तो ये तो वैसे जनरली ये ऑप्शन तो होंगे नहीं। विटामिन के की अगर कमी शरीर में हो जाएगी तो खून का बहना नहीं रुकता, ध्यान दीजिए। नंबर नेक्स्ट, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। जैसा कि अभी हमने बताया, विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग।
तो देखिए रतौंधी ही आँख से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है हमारा विटामिन ए सही हो जाएगा। अब देख लीजिए विटामिन से ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं हमने और अब पूछे भी गए हैं, ध्यान दीजिए। नंबर नेक्स्ट आठवां जो है, शहद का मुख्य अवयव है। जी हाँ बच्चों, शहद का मुख्य अवयव है आपको यहाँ पर बताना है, फ्रैक्टोस है कि सुक्रोस है, ग्लूकोस है कि माल्टोस है। तो याद रखिएगा शहद का जो मुख्य अवयव है वो आपका माल्टोस होता है, इसे जरूर 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 याद रखिएगा। नंबर नेक्स्ट नौवा प्रश्न हमारे सामने यहाँ पर आ चुका है, मानव शरीर में वसा का संचयन होता है। जो मानव शरीर है उसमें वसा का संचयन किसमें होता है, एपिथेलियस कोशिका में या फिर एडिपोज ऊतक में या फिर एपिडर्मिस में या फिर यकृत में, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें वसा का संचयन होता है? तो ध्यान दीजिए एपिडर्मिस जो है इसी में वसा का संचयन होता है, ये चमड़े में मतलब चमड़े की एक परत होती है एपिडर्मिस, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको शायद पता भी होगा। नंबर नेक्स्ट, वह कौन सा कथन है जो एंजाइम के बारे में सत्य है, मतलब ऐसा कौन सा कथन है जो एंजाइम को मतलब कि जो एंजाइम है उसके लिए वो सत्य है? तो आपको इनमें से बताना है कि वो कौन सा चीज़ है जो एंजाइम के लिए सत्य है। एंजाइम प्रोटीन से बनते हैं, एंजाइम वसा से बनते हैं, एंजाइम न्यूक्लिक एसिड से बनते हैं, एंड एंजाइम विटामिन से बनते हैं। तो एंजाइम आखिर किससे बनते हैं ये आपको इस प्रश्न में बताना है। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा, मतलब एंजाइम जो हैं वो वसा से बनते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन डी का अच्छा स्रोत है, विटामिन डी का अच्छा स्रोत है आपको ये बताना है इसमें, ठीक है? तो पहला ऑप्शन है कॉड लीवर आयन आयल, दूसरा पालक, तीसरा दूध, चौथा पनीर। तो देखिए विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत तो सूर्य है, लेकिन अब सूर्य का रोशनी तो उसमें दिया नहीं गया है, तो ये ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। चलिए 11 क्वेश्चन कर लेने के बाद अब हम चलेंगे 12वें क्वेश्चन पर, ठीक है? हमारा 12वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिनों का समूह है आपको यहाँ पर ये बताना है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है कितने विटामिनों का समूह है? तो याद रखिएगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है 11 विटामिनों का समूह है, ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए। नंबर तेरह जो है, कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है, कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है किस चीज़ में, गेहूं में, मक्का में, बाजरे में, ज्वार में? तो आप सभी को बताना है ये, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर जो आपका मक्का है इसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, अर्थात आपको मक्के के सीज़न में मक्के का सेवन ज़रूर करना चाहिए, तो कैल्शियम की गोली खाने नहीं पड़ेगी, ठीक है? ये बात ध्यान दीजिएगा। तो चलते हैं आगे, या फिर मक्के का सीज़न ऑफ हो जाए तो भी मक्के से रिलेटेड चीज़ें आपको खानी चाहिए। नंबर नेक्स्ट, गाय का दूध अच्छा स्रोत है, किस चीज़ का अच्छा स्रोत गाय का दूध माना गया है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी, इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जिसके लिए गाय का दूध जो है अच्छा स्रोत माना गया है? तो ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, और विटामिन सी यहाँ पर सही भी होगा। नंबर नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न, इसके बाद बायोलॉजी बीएससी का एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन मैं तभी अपलोड करूँगा जब आपके कमेंट आएंगे और जब आप इसको 100 से ज़्यादा व्यू तक पहुंचाएंगे, उसके बाद तो ये चलेगा ही चलेगा अपने से, ठीक है? आगे चलते हैं, किसके दूध में सर्वाधिक वसा होती है, ऑप्शन ए भैंस, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी ऊंट, ऑप्शन डी जो है रेंडियर। तो आपको इसमें से बताना है कि किसके मतलब दूध में सर्वाधिक वसा होती है, तो चलिए देखते हैं। तो जो आपका ऑप्शन डी है रेंडियर जो है उसमें सर्वाधिक वसा होती है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।